अच्छा जी, बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर आपका बन गया। यहाँ पे मैं एक इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल बना लेता हूँ। पैकेट डॉट जेएसएन में जो दो चेंजेस करनी है वो भी कर दें, यहाँ पे टाइप मॉड्यूल कर दें मॉड्यूल, चलो। और यहाँ पे इसकी कमांड लिख दें स्टार्ट, और इधर थोड़ी लिखनी है, यहाँ पे लिखनी स्टार्ट, यहाँ पे लिखनी नोडमोन इंडेक्स डॉट जे एस। चलो ये भी खत्म, इसको बंद कर दें, इस साइड पे आ जाएं, इसको स्टार्ट ही रखते हैं, खुद ही सर्वर चलता रहे। अभी कुछ भी नहीं लिखा तो उसमें कुछ भी नहीं आना। इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, यहाँ पे कॉन्स्ट ऐप ले लें, इसको निकाल लें एक्सप्रेस में। सर जी गपशप ना करें, ये आप लोगों को मैंने दिया था टास्क, आपका काम था करना। ऐप डॉट इसको यूज, चलो फिलहाल अभी गेट इधर ही एक बना लेते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट। अच्छा अब आप ये वाला काम करेंगे स्टेटस, मैंने आपको ये भी कहा था ये याद करके आने, डॉट सेंड ये वाला मैसेज सक्सेस कॉल दो, ट्रू हो जाएगी, मैसेज आप जनरेट कर दें वेलकम टू माइन, और कुछ भी नहीं साथ भेज, ये वाला मैंने आपको कहा था। आप इतना काम कर रहे थे, ये वाला नहीं कर रहे थे ये वाला, और अगर ये करना है तो फिर वो एक ऑब्जेक्ट है, वैसे तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अब उसके अंदर स्टेटस कोड ऐड हो जाएंगे। स्टेटस कोड का ये फायदा है कि आपको स्टेटस कोड को जब आप एपीआई को हिट करेंगे आपको देख के पता चल जाएगा कि मसला कहाँ पे आ रहा है। अगर 201 है तो आपको पता है 201 आपने कहाँ कहाँ यूज किया है। 5000 का मसला है तो उसका मतलब सर्वर में कोई एरर आ रही है। अगर 404 है तो पेज नॉट फाउंड है, 400 है तो बैड रिक्वेस्ट है, यानी कि आपकी को हो सकता है क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट ठीक नहीं आ रही, इसलिए मैंने आपको कहा था स्टेटस कोड याद करें। फिलहाल अभी इधर आप खाली रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दें, ये फोल्डर स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मैं ऐप डॉट एक पोर्ट भी बना लें डॉट ई एन वी फाइल, अब हमें उसकी जरूरत है तो डॉट ई एन वी फाइल बना लें, यहाँ पे लिख दें पोर्ट इज इक्वल टू 8003, चलो नई पोर्ट बना लेते हैं, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट, चलो ऐप डॉट लिसन, यहाँ पे आपकी पोर्ट आ जाएगी जो ये वाली आ रही है। फिर हमें यहाँ पे कलर्स भी चाहिए, इम्पोर्ट कलर्स फ्रॉम कलर्स और इम्पोर्ट डॉट ई एन वी फ्रॉम डॉट ई एन वी, और इसको स्टार्ट भी कर दें डॉट ई एन वी डॉट कॉन्फिग, ये लें कॉन्फिग्रेशन ऑफ डॉट ई एन वी फाइल, रेस्ट ऑब्जेक्ट लिसनिंग सर्वर, चलो। और ये नहीं, ये तो गेट रिक्वेस्ट है ये वाला, यहाँ पे आप आ जाएं कॉमा करके एक कॉल बैक फंक्शन दें, यहाँ पे लिख दें कंसोल डॉट लॉग सर्व, ये ऐसे नहीं बैटिक्स में ले लें, सर्वर इज स्टार्टेड ऑन पोर्ट दिस, कौन सी वाली है ये वाली पोर्ट डॉट बीजी, ग्रीन तो नजर ही नहीं आना, वाइट येलो अजीब सा हो जाएगा, यहाँ ब्लू कर दें चलो डॉट वाइट, कंट्रोल एस, सर्वर स्टार्ट हो गया, डेटाबेस बना दें। अच्छा अब थोड़ा सा आगे जाने से पहले वही फोल्डर स्ट्रक्चर एक दफा कंप्लीट कर ले, मुझे चाहिए डेटाबेस चाहिए तो उसके लिए डेटाबेस का फोल्डर बना लेते हैं, मुझे मॉडल्स बनाने हैं डेटाबेस के लिए उसका एक फोल्डर बना लेते हैं, इसके लिए मुझे राउटर्स चाहिए वो भी बना लेता हूँ, कंट्रोलर्स चाहिए ये भी बना लेता हूँ, आज एक चीज़ अदद और ज़रूरत पड़ेगी हेल्पर्स ये बना लेते हैं, इसके अलावा जो जो फोल्डर ज़रूरत पड़ती जाएगी साथ साथ उनको बनाते जाएंगे।
डेटाबेस हमने बनानी है तो डेटाबेस में लिख देते हैं db.js, इम्पोर्ट मोंगूस फ्रॉम मोंगूस, और यहाँ पे लिख दें एक कनेक्ट डीबी का एक फंक्शन बना लें, एरो फंक्शन, एसिंक का वेट करते ही जाएं साथ साथ। चलें जी, यहाँ पे ट्राई कैच का ब्लॉक बना लें, यहाँ पे आप कर दें mongoose.connect, mongoose.connect किससे करना है अभी फिलहाल कोई पता नहीं, उसके लिए हमें मोंगो डीबी चाहिए, मोंगो डीबी कंपस, इसको कर दे 127.0.0.1, कॉपी कनेक्ट, इधर आगे इसको पेस्ट कर दें यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे डेटाबेस भी को बना लें, डेटाबेस हम बना लेते हैं अपनी LMS, चलो LMS ही रखते हैं, कलेक्शन यूजर्स कर लें अभी क्रिएट, LMS बन गया है, ओके इसको तो बाद में करें अपडेट, यहाँ पे उस DB से आप उसको कनेक्ट कर दें, यहाँ पे इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें, कौन कनेक्शन में स्टोर कर लें, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में एक मैसेज प्रिंट करा दें अगर तो कनेक्ट हो जाए, डेटाबेस कनेक्टेड ऑन $ कनेक्शन डॉट कौन डॉट कनेक्शन डॉट कौन सी होस्ट पे कनेक्ट हुआ है वो डॉट बीजी मेजेंटा कर दें, मेजेंटा डॉट वाइट, ये अगर देखें ये आपको बता देता है कि आप कौन सी होस्ट पे कनेक्टेड है, इसका ये फायदा हो जाता है आपको, मतलब अगर आप लोकल होस्ट पे हैं तो बता देगा कि आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आप किसी और लाइव होस्ट पे काम कर रहे हैं तो तब भी आपको बता देगा, यहाँ पे आप इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर हमने एरर ही देनी है, तो एरर इन डीबी कनेक्शन, और इसको कर दें बीजी रेड, चलो खत्म, यहाँ पे इसको असिंक अवेट कर दिया है, इसको एक्सपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट डीबी, ये इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, ये तो वही सिंपल पुराने वाला ही काम है, इसको इधर आके इम्पोर्ट कर लें, यहाँ पे इम्पोर्ट उसका नाम क्या है कनेक्ट डीबी, ये और इसको भी कॉन्फ़िगर कर दें डेटाबेस कनेक्शन, ये इसको कॉल कर देते हैं, ये भी हो गया, उसको डॉट जे एस कर दे, ये देखिए वो नीचे बता रहा है पोर्ट, अब देखे मैंने नहीं उसको बताई 127.0.0.1, अगर आप कल को लाइव करेंगे तो वो लाइव का भी बताता है, कनेक्शन के अंदर होस्ट कौन सी कनेक्टेड है, यहाँ तक कोई भी मसला है तो पूछ सकते हैं किसी, ये वैसे भी पुरानी चीज़ है, अब उसको थोड़ा सा हमने सिस्टमाइज कर दिया चीज़ों को, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में आपने जब डेवलपमेंट करनी है वो इन्हीं फोल्डर स्ट्रक्चर्स में ही करनी है, हाँ जी कोई मसला है किसी को, दो बंदे आपके दोनों इकट्ठे गए हैं, दो इधर से गए हैं, तीन गए हैं, वो उसकी तो यूनिवर्सिटी चलो शुरू हो गई है, और उमर इधर बैठा है, और दूसरा कोई और था जो ग्लासेस लगा, हाँ सोनू वो किधर है, और आपकी दोस्त वो दिन बारिश में फंस कहीं अटक गई, इसके अलावा चलो अब क्या करें, लेक्चर असल में मैंने आपको कहा था ये प्रैक्टिस करें, अच्छा अब हमें बनाना है मॉडल डेटाबेस का मॉडल, तो आप पहले यहाँ पे बना रहे थे इसी के अंदर ही डेटाबेस के अंदर ही, अब हमने उसको सेपरेट कर दिया, यहाँ पे मैं उसका नाम दे देता हूँ यूजर मॉडल डॉट js, यहाँ पे आप इम्पोर्ट मोंगूस करें, मोंगूस फ्रॉम मोंगूस, यहाँ पे आपने मॉडल बनाना है तो उसी तरह आप बना लें,
मैं कॉन्स्ट इधर डायरेक्ट ही कर देता हूँ, यूजर स्कीमा, ये वेरिएबल है, इससे आप ए बी सी जो मर्जी रख लें इसके अंदर। नहीं कि कॉल के दौरान आपका डिस्कनेक्ट ना हो व्हाट्सएप पे। चलो उसका व्हाट्सएप ना जा रहा हो फिर। अब इसका एक हल और है कि हम इस नंबर से कर लेते हैं, इतने फोन रखने का फायदा, इतने फोन रखने का फायदा। देखा ना, मेरे मेरे हिसाब से सोचिए, अच्छा एक पार्सल आएगा वो आपको कॉल आएगी, वो वसूल कर लीजिए, 1200 रुपये होगा। इसको कहानी खत्म करें, इधर आ रहे हैं। यहाँ पे अब हमने बनाना है मॉडल। मॉडल आपने सीखा था वहां पे लास्ट टाइम, बनाना किस तरह बनाते हैं, मैं नेम बनाता हूँ इसके, और थोड़ा सा वो एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप उसकी स्ट्रिंग है और रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं। रिक्वायर्ड था या रिक्वायर था, डी आता ट्रू। यहाँ पे अब इसकी एक और बना रहे हैं, 2 3 4 5। चलो जो काम हुए वो निकाल देंगे। ईमेल रिक्वायर्ड है, इसको मैंने यूनिक रखना है, यूनिक भी ट्रू कर दूं क्योंकि एक ईमेल एक ही होना चाहिए। आपने आधा काम तो ये वाला कर दिया, आपको वो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब मैं एक सेम नेम दोबारा ऐड भी करूंगा ना तो वो ऐड करने की इजाजत नहीं देगा, इधर ही आपकी चेकिंग हो गई। ये भी ठीक है, ईमेल पासवर्ड एड्रेस कर लें, फोन नंबर उसका ले लें, फिलहाल ये भी स्ट्रिंग में ही लेना है। हाँ जी भाई, हमने जब उसको हैश ही कर देना है फिर तो टेंशन ही खत्म है ना। हमने उसको पासवर्ड इसलिए मैं स्ट्रिंग रख रहा हूँ, पर अगर मैं पासवर्ड देना चाहता हूँ पाकिस्तान 123, कैसे सेव करेंगे, नंबर नहीं कर सकते, स्ट्रिंग ही बनाना पड़ेगा। जब जिसमें अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक चीजें ऐड हो जाए तो जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग ही बनेगी, और फोन भी स्ट्रिंग बनाया है, ये मैंने शायद आपको लास्ट टाइम बता भी दिया। फोन क्यों स्ट्रिंग बनाया ये पूछना चाहिए था, वो तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए था, ये सवाल था असल, क्योंकि फोन नंबर तो आपका मोबाइल नंबर तो डिजिट होता है। ये इसलिए किया कि अगर आपने कंट्री कोड साथ ऐड करना है, मतलब मैंने लिखना है 9 2 -फलां फलां फलां या प्लस भी साथ ऐड करना है, तब ये इसलिए स्ट्रिंग रखा है। आप लोग अभी उस लेवल पे काम नहीं ना करते, आप इस चीजों को सोचते नहीं है इतना भी। पासवर्ड यहाँ पे उसका एड्रेस चलो कर, आपको ऐसा ऐसा ही सारी चीजें समझ आ जाएंगी, लिहाजा टेंशन ना ले। बेसिक जो वजह है वो मैंने आपको बता दी, यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, ये तो बता दिया होगा टाइम स्पेंड, इसका फायदा है वो एंट्रियाँ जो भी ऐड करेंगे वो बता देगा कि कौन सी एंट्री किस वक्त की है। लोग जी मॉडल तैयार हो गया, इसको खत्म करें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करें, मोंगूज डॉट मॉडल, और यहाँ पे दो चीजें आपने देनी है, एक तो ये डेटाबेस का जो नाम है आपका, ये वाला ये टेबल का नाम यूजर्स, और यहाँ पे ये वाला वेरिएबल। चलो ये कहानी भी होगी खत्म, इस साइड में मेरे ख्याल है होपफुली किसी को कोई मसला नहीं आ रहा होगा,
और डेटाबेस हमारी चल रही है अभी। ले जी इससे नेक्स्ट स्टेप अगला, अब हमने डेटाबेस में डेटा पोस्ट करना है, आपको आता है पहले ही आता है। आपने ये वाला जो पोस्ट यहाँ पे सीखा है ना, यहाँ पे इसको 3 पार्ट्स में अब हमने तोड़ देना है। ये जो राउटर है ये अलग कर देना है, ये कंट्रोलर होता है इसको भी अलग कर देना है। ले जी पहले वाले पार्ट को पहले अलग करते हैं, कंट्रोलर को। कंट्रोलर इधर आ जाए, यहाँ पे दे देता हूँ नाम ऑफ कंट्रोलर, क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन का काम कर रहे हैं, को नाम ऐसा दें जो समझ भी आए। यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस कर लें। ये जिस पेज पे भी आपने इसको यूज करना है तो उसको वहां पे आपने कॉल भी करना है। इसके अंदर आपको मिलेगा एक एक्सप्रेस के अंदर अब आपको राउटर मिलेगा, राउटर का ऑब्जेक्ट ये देखिए, ये इसको किसी वेरिएबल में पैक कर लें कॉन्स्ट राउटर ये, और इसको साथ साथ ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दें था आगे टेंशन खत्म हो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये। इधर अब हमने इस राउटर के अंदर वही चारों मेथड जो आपको एप डॉट गेट में मिल रहे थे ना, एप डॉट गेट, एप डॉट पोस्ट, एप डॉट डिलीट, वो सारे अब इसमें मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे राउटर डॉट गेट ये देखिए मिल रहा है आपको, राउटर डॉट पोस्ट, राउटर डॉट डिलीट, राउटर डॉट पोस्ट, यही चारों काम थे ना। अब हमने वहां से निकाल के उसको इधर कर दिया, राउटर में आए। हाँ ये तो हमने गलत कर दिया, चलो इसको हम अब एक ही हाल है, इसको नाम ही राउटर कर देते हैं, हमें चाहिए इसका नाम ही अब राउटर कर देते हैं, इसको रीनेम कर ले राउट, वो तो आगे एक दफा कंप्लीट ना करे। और कंट्रोलर नहीं बनाया हमने, इसको डिलीट कर देते हैं, नहीं वो नया बना लेते हैं ना, सारे नाम ही ना बार बार सेम करें। कंट्रोलर इसका नाम अब राउटर कर देते हैं, क्योंकि अगर उस वक्त मैं करता तो कंफ्लिक्ट आ जाना था, अब ठीक है। बाद काम मुश्किल करने की बजाय आसान तरीकों से करें, ये लें इसको भी बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें। हम बना रहे हैं राउटर, राउटर्स ये आ रहे हैं। नहीं जी अभी के लिए हमें इतने वैसे मेथड तो चाहिए नहीं है, हमने अभी डाटा पोस्ट करना है, इस पाथ पे पोस्ट करना है, इस पाथ पे वही आगे वो आ जाएगा आपका लोकल होस्ट 8003/ ये, इसको भी साथ साथ कॉन्फ़िगर करते हैं इस फाइल को भी। इसको इधर आपने ऐप में पहले यूज करना है, ये वाला आप काम चूंकि हमने खत्म कर दिया है, इसको अब यूज करने का तरीका अब ऐप के अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं इस तरह। इसके साथ पहले आपको एंड पॉइंट बनाना पड़ता है, आप बेशक ये वाला बना रहे API/auth, और दूसरा ये वाला पैरामीटर कौन सा कंट्रोलर बना रहे हैं। मैं इसको अगर यहाँ पे जाता हूँ, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ राउटर, ये आ गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ ऑथ राउटर, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया तो उसको रीनेम कर सकते हैं ना आप, एक्सपोर्ट में और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में फर्क का पता है ना आप, इसीलिए मैंने इसको रीनेम कर दिया ताकि मुझे परेशानी ना हो। ये भी अटैच हो गया, यहाँ पे मैंने देना था ना इस जगह पे, ये तो अब हमने एंड पॉइंट बनाया है, इसको बेशक आप ना भी दें तो कोई मसला नहीं, ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया। ये एक प्रोफेशनल तरीका है कि आप उनके एंड पॉइंट्स बना लें। लो जी अब हमने इसको दूसरा पैरामीटर ये वाली झंझट रहेगी, ये वाली इसको पकड़ें कॉपी करें, इसको कंट्रोलर में ले जाएं यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर, अब नाम ठीक, हमने उसका नाम भी ऑथ कंट्रोलर रखा हुआ है, ये काम खराब होगा इस तरह आप काम, क्योंकि वह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे ना तो बड़ा मसला बनेगा उस तरह। अब बड़ा मसला बनेगा ये फाइल जो है ना, ये VS कोड में एक बग है जो आपने इस लेवल तक कभी नहीं ऑब्जर्व किया, वो अगर आप एक दफा फाइल बना देना फिर प्रॉब्लम बनता है, शायद आप लोगों ने इसको कभी मैनुअली ऑब्जर्व किया हो। ऑथ राउटर डॉट जेएस
यहाँ वेट कर रहे हैं, अब इसको इंपोर्ट करते हैं। ये उसने सारा काम ही हमने उड़ा दिया। ठीक है, इतने काम किया अभी, इसको आप कर लें राउटर, अब ठीक है। और इसको मैं किसी वेरिएबल में कर रहा हूँ, इसमें वो भी उड़ा दिया हमने। ठीक है, एप डॉट यूज एंड पॉइंट बना लें, स्लैश एपी स्लैश ऑथ, और यहाँ पे आप दे दें ऑथ राउटर, ऑथ राउटर कंट्रोल एस, राउटर हो गया। कंट्रोलर की बारी आ गई जी, यहाँ पे हमने बनाना है कंट्रोलर, ये वाला पार्ट। अब ये वाला इसको बना लेते हैं कॉपी, यहाँ पे आ जाए ऑथ कंट्रोलर डॉट जेएस। असल में नाम बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ, इसलिए बेहतर होता है कि उनको प्रॉपर रखें, ऑथ कंट्रोलर, और ये वाला काम यहाँ पेस्ट कर दें। आपका ये वाला मैसेज भी बन गया यार, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, वैसे ही कर दें आप हेलो हेलो मारी, और इसको डिफॉल्ट है एक्सपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑथ कंट्रोलर, ये भी हो गया। अब आपने इसको ऑथ राउट में यहाँ पे लगाना है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे लग रहा है। इसके बाद ये वाला पार्ट आपका स्टार्ट हो रहा है थोरनी। अब हमने फोल्डर स्ट्रक्चर में कर दिया है, तो इसको आपने यहाँ पे कॉल कर लेना ऑथ कंट्रोलर, वो ऑटोमेटिक ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा। देखिए साथ डॉट जे एस कर दें, बाद में मसला ना बन जाए। इधर भी आ जाए, साथ डॉट जे एस हो गया है, इधर तो अभी यूज ही नहीं हुआ, आथ राउटर डॉट जे एस हो गया, लें इधर आ जाए, ये बंद कर दें। कंट्रोलर भी बन गया, ये भी बन गया आपका, आथ कंट्रोलर बन गया, आथ राउटर बन गया, उन सबको आपस में इंटरलिंक कर दिया, सर्वर चल रहा है मेरा। हाल एक दफा हिट करके देख लें और अपना काम स्टार्ट करें, पोस्टमैन का काम स्टार्ट करें, डेटाबेस में डाटा भेजने का। इसी को पकड़ लें कॉपी, इधर बनाए पेस्ट 8003, 8003 स्लैश एपीआई स्लैश और स्लैश, यहाँ पे कर दें पोस्ट, पोस्ट ही है ना, सेंड करें। ये आ गए। अच्छा वैसे मैं हैरान हूँ, आना नहीं चाहिए था इसको, क्योंकि हमने अभी वो जेसन में कन्वर्ट नहीं किया, असल में अभी हम जेसन डाटा भेज भी नहीं थे, शायद इसलिए दे दिया। हमें डेक्स फाइल में आपको याद होगा, हम ऐप में से ही चीज निकालते हैं, ऐप डॉट यूज ऑफ ऐप डॉट एक्सप्रेस डॉट जेसन, इसी तरह ही करते हैं जेसन में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्टिंग प्लेन डाटा या टेक्स्ट टू जेसन फॉर्मेट। चलो दोबारा हिट करके देख लेते हैं, कोई मसला तो नहीं आ रहा। ओके लो जी, पोस्ट बन गया। यहाँ पे आपने काम किया क्या था, आप यहाँ पे सिंपल ये वाला काम कर रहे थे, यहाँ पे आपने बना लिए थे वही वाला काम, यहाँ पे आपने किया था इसको, आपका यूजर मॉडल के अंदर था डाटा, यूजर मॉडल का नाम रखा है इसका, मॉडल ही है ना यूजर मॉडल, तो एक्सपोर्ट भी हमने कर दिया है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इंपोर्ट यूजर मॉडल, शो क्यों नहीं कर रहा यहाँ पे, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस यूजर मॉडल,
राउटर की बात कर रहा है। चलो जी चलो जी चलो जी चलो, इसका नाम क्या रखा है हमने? यूजर मॉडल ही है वैसे, इधर भी यूजर स्कीमा नाम है, यूजर स्कीमा। इसको वो वेरिएबल को उठा नहीं रहा, इसका फिर एक काम करते हैं, एक्स यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट यूजर मॉडल, एक वेरिएबल में देता हूँ और इसको करते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर मॉडल। यूजर मॉडल हमने क्या किया था जी, यूजर मॉडल के अंदर आप काम अब तक कर रहे थे, जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आ रही थी उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके इसको आप अवेट कर रहे थे, इसको असिंक बना रहे थे एसिंक, और इसको किसी वेरिएबल में स्टोर आप कर रहे थे रिजल्ट के अंदर, जो भी आप वट एवर आपने वेरिएबल रखा है उसको कर, और बाद में आप रिजल्ट को ही अवेट करके अवेट और रिजल्ट को स्टोर कर रहे थे आप डेटाबेस में डॉट सेव, ये वाला काम कर रहे थे, और बाद में आपने रिस्पॉन्स डॉट सेंड के हवाले कर दिया रिजल्ट, यही वाला पढ़ा था आपने, जहन पर जोर दें थोड़ा सा, यही वाला काम करना है ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे इसी चीज को, मेरे पास अब प्रॉपर्टीज भी ज्यादा है, वो प्रॉपर्टी पहले मैं डिस्ट्रक्चर करता हूँ, क्योंकि मैंने सारी प्रॉपर्टी अब डायरेक्ट सेव नहीं करनी, अब मैं थोड़ा सा एक काम और करूंगा, इसके अंदर बना लूंगा ट्राई कैच का ब्लॉक, क्योंकि अब मैंने साथ साथ एरर भी हैंडल्स करनी है। यहाँ पे अब स्टेटस वाइज आप चलेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स, यहाँ पे मैं फिलहाल कंसोल डॉट लॉग में एरर प्रिंट करवाता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस ऑफ 5000, क्योंकि एरर सर्वर की आएगी, अगर आई तो सेंड करता हूँ एक ऑब्जेक्ट, सक्सेस ऑब्वियसली फॉल्स हो रही, ये उसके वेरिएबल हैं, ये उसमें आपको बिल्ट इन कीवर्ड मिल जाते हैं, सक्सेस फॉल्स हो जाएगी, और मैसेज के अंदर मैं लिख देता हूँ एरर इन रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हो सकता है पहले ही एरर आ जाए, और यहाँ पे आप एरर को एज ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। ये अब आपने इस अप्रोच के साथ काम करना, इसके लिए स्टेटस कोड मैंने आपको 5-6 याद कर ले, लेकिन कोई मसला नहीं, ये आपको सोएगी, आप इसकी बेस पे क्लाइंट साइड पे जाके लॉजिक लिख सकते हैं कि अगर सक्सेस फॉल्स है तो इसका मतलब तो डाटा ही नहीं आ रहा, तो ये मैसेज चला दो, अगर सक्सेस ट्रू है तो ये मैसेज चला दो, आप अकेले सक्सेस की मदद से भी अपना क्लाइंट साइड हैंडल कर सकते हैं, इनके काफी आपको फायदे होंगे। यहां पे अब आपने क्या करना है, यहां पे आपने लिखना है सारा वही वाला कोड, उसके लिए आपके पास जो वेरिएबल है उनको पहले डिस्ट्रक्चर कर लें, ऑब्जेक्ट है तो मैं ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, फोन है, तरतीब उसी तरह तरतीब रखें ताकि आपका मसला बाद में ना बने, फोन और एड्रेस, एड्रेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, आप चाहें तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से डायरेक्ट नाम इस तरह कर सकते हैं एक्सेस, तो अब मैंने उसी में से इन सबको डिस्ट्रक्चर कर लिया, उसकी वजह यह है कि ये चार प्रॉपर्टी का तो कोई मसला नहीं है, पहली दो और ये दो, ये डायरेक्ट डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसका मसला है, इसको जब हमने स्टोर करना है इसको पहले हैश करना है, इसलिए मैंने अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रक्चर कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी पहले वैलिडेशन चेक करते जाएं, आपके पास जब यूजर रजिस्टर्ड कर रहा है दो सिनेरियो है, क्या हो सकता है वो पहले रजिस्टर्ड हो, मैंने एक वेबसाइट पे 4-5 साल पहले अकाउंट बनाया, अब मुझे अचानक उस वेबसाइट की जरूरत पड़ी, मुझे याद ही नहीं कि मैंने अकाउंट बनाया है, लेकिन उनकी डेटाबेस में तो बना हुआ है ना, मैं जैसे ही नया अकाउंट साइन अप करने जाऊंगा
वो पहले ही एरर दे, ईमेल डालूंगा ना, वो कह देगा जनाब ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज लॉग इन। वो एक अलग ऑप्शन है कि हम पासवर्ड रीसेट कर लें, पासवर्ड फॉरगेट करके दोबारा रीसेट कर लें। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो हो सकता है आप पहली दफा, वाकई पहली दफा आए हो तो आपका अकाउंट, वो कह देगा लो जी आपका अकाउंट हाँ आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हम पहले स्टेप को पहले कवर करते हैं। इफ अगर तो मेरा ईमेल दिया ही नहीं हुआ, अगर तो मेरा नाम ही नहीं दिया हुआ, तो मैं उसको एक एरर जनरेट कर देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, डायरेक्टली सेंड कर दें आप एक एरर जेसन में मैसेज, और यहाँ पे लिख दें प्लीज एंटर योर, हाँ ठीक है नेम। ये वैलिडेशन आप साथ साथ करते जाएं। फर्ज करें अगर वो चार पांच चीजें, ये क्लाइंट साइड पे भी आपने वैलिडेशन करनी है, अगर क्लाइंट वाला कोई डेवलपर मेरे जैसा हुआ तो हो सकता है वो क्लाइंट साइड हैंडल ना करे। मैं डेटाबेस में भेजने से पहले भी ये सारे काम कर सकता हूँ। ठीक है उसने अपनी अगर काम पूरा किया है तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कोई यूजर फील्ड ही ब्लैंक छोड़ दे, वो जबरदस्ती नेम ना दे, ईमेल पासवर्ड आगे दे के एड्रेस वगैरह दे के कहीं जो रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो खाली डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। आपने देखा ब्लैंक एंट्रियां भी चली जाती हैं, आपने ऐसा नहीं उसको होने देना। मैंने पहले ही चेक कर लिया कि अगर आप ये वाला काम ना करें तो आप इसको एरर दे दें, और यहाँ पे आप सबको ही इसी तरह कर लें, नेम ईमेल पासवर्ड फोन और एड्रेस लें। इधर लिखते हुए नाम ही लिखना, ईमेल एंटर योर ईमेल एंटर योर पासवर्ड एंटर योर फोन एंटर योर एड्रेस। लो जी अब आ गया, ये तो हमने उसकी कर ली वैलिडेशन। अब हमने पहले चेक करना है कि क्या ये यूजर पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है। उसका तरीका सिंपल, आप फाइंड वाला दिन में लेके आए, फाइंड वन यूजर मॉडल है उसका नाम, यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन। उस वक्त भी हमने ईमेल की बेस पे किया था। अच्छा आप इस तरह करेंगे कि जो डेटाबेस का ईमेल है और जो यूजर एंटर कर रहा है, अगर वो दोनों सेम हो रहे हैं, मैच करते हैं, ये रूल पता है कि अगर की एंड वैल्यू सेम हो जाए तो आप एक चीज लिख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट में आपको पढ़ाया होना चाहिए था, यहाँ पे होता ये है, यहाँ पे लेट ले लें यूजर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको आईडी ये लिख लें, उसका मैं रखता हूँ नेम के अंदर वैल्यू भी नेम ही रखता हूँ, स्टेटस रख देता हूँ फिलहाल ट्रू। अब अगर मैंने इसको प्रिंट करवाना है ना, तो वो तो आपको सिंपल तरीका पता है, यूजर डॉट नेम। अब जावास्क्रिप्ट का ये रूल है कि अगर इसको हम कहते हैं की, ये होती है आपकी वैल्यू, अगर आपकी की एंड वैल्यू सेम हो जाए तो आपको वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक ही चीज है, आप ये लिखें या ना लिखें, मैं यही वाला काम इधर कर रहा हूं। आप बेशक लिखना चाहें तो लिख लें, हम तो पहले ही अपना कोशिश करते हैं कोड रिड्यूस हो ही लें। एक ईमेल डेटाबेस में पड़ी है, एक ईमेल जो यूजर भेज रहा है, इसलिए मैंने उसको एक ही वर्ड दिया। मैं इसको किसी वेरिएबल में, चूंकि हम असिंक बना रहे हैं फंक्शन को, तो इसको अवेट कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर ले, ऐसे कर ले, और इस पे अभी मैंने रजिस्टर नहीं किया, ये प्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ना ही मैंने हैश किया। जब डेटाबेस में स्टोर करना है तब हैश करना है, अभी तो पहले मैं सारे लवाजमात पूरे कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहले हमने चीजें इग्नोर की थी, हमने सीधा सीधा एकदम क्रड पूरा कर लिया था, ताकि अचानक ही पता चले क्लास के दौरान दोबारा कोरोना आ गया फिर तो आपको क्रड तो एटलीस्ट आता हो ना। अब क्रड को थोड़ा सा हम प्रॉपर एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस पे मैं कहता हूँ जी इफ एग्जिस्टिंग यूजर, ये अगर ट्रू है तो क्या करो, एक रिस्पॉन्स और स्टेटस जनरेट कर दो। वो स्टेटस क्या होगा, 4000 होगा, 400 होगा,
या प्री यूजर बैड रिक्वेस्ट नहीं कह सकते, पेज नॉट फाउंड भी नहीं कह सकते, नहीं 200 वैसे कह सकते हैं सक्सेस, क्योंकि ट्रू हो गया ना, ओके है। अगर मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये यूजर मुझे मिल जाए और वो मिल भी गया, इसका मतलब वो ओके है, मेरी रिक्वेस्ट ओके है, ओके। यहाँ पे फिर आपकी सक्सेस हो जाएगी ट्रू। ये देखो उसने पहले ही लिखा हुआ है स्निपेट बोर्ड, इतना समझदार है, इतना इंटेलिजेंट एडिटर हो तो मैं कोडिंग लिखने की जरूरत ही नहीं। सक्सेस कर दें ट्रू और मैसेज कर दिया ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, फिलहाल बस इतना ही काफी। ये हो गया, यहाँ पे आप कर दें चेकिंग इफ अ यूजर इज ऑलरेडी इन डेटाबेस, चलो ताकि आपको घर जाके भूलना जाए, इफ यूजर फेल टू प्रोवाइड हिज और हर नेम, ये सबके साथ लिख लें ईमेल। कोशिश किया करें, ये एक अच्छी आते हैं अपनाएं पाकिस्तान में रहते हुए, वैसे तो हम काम ही कोशिश करते हैं, कोड को कमेंट किया करें ये, वैसे मैं मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कोड देख ही समझ आ जाएगी, लेकिन ये मैं आप लोगों के लिए इतना कष्ट कर रहा हूँ कि आपको भी आदत पड़े। अगर आप कोड अच्छे तरीके से लिखते हैं तो आपको फायदा होगा। ये देखें, आप अगर अपना ही कोड लिखा हुआ ना, आपने ये कोड 2015 में लिखा, आप उसे 2023 में देखेंगे ना, तो आप अचानक चौंक जाएंगे, है ना, करंट लगता है बंदा, ये कोड क्या लिखा, यानी बंदा अपना कोड देख के परेशान हो जाता है। 5 साल पता नहीं क्या कितनी एवोल्यूशन आएगी, आप कई नई चीजें सीखेंगे, फिर आपका अपना कोड भी सामने आ गया ना, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने लिखा है। फिर उसका एक ही हल होगा कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा फिर, हाँ इस तरह होगा। तो आपको दूर से अगर आप ये लॉजिक देखना चाहते हैं यार कर क्या रहा है वो डेटाबेस में यूजर ढूंढ रहा है, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप आज मर्न कर रहे हैं, 2 साल बाद आप रूबी ऑन रेल्स पे चले जाएं, अब आप जब उसी में कोडिंग कर रहे हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता कोडिंग आपके माइंड से रेज होना स्टार्ट हो जाएगी, तब भी आपको सपोर्ट करेगी चीज। अगेन आखिरी फायदा हो सकता है आप जिस सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं वहां 6 महीने या साल काम करें निकल जाए, आपने देखे एक ही जगह तो नहीं ना सारी जिंदगी काम करना, अब जो बेचारा नया बंदा आएगा वो आपको अप्रिशिएट करेगा कि इसने काम अच्छा किया होगा। हाँ जी, डेवलपमेंट सीखनी, दो लड़के हैं मैं क्या, इधर पहले ही बेचारे सारे लोग रुकी हैं डेवलपमेंट में। अच्छा जी, अब तक हमने उसको अगर उसने कोई फील्ड खाली छोड़ी वो भी चेक कर लिया, अगर वो पहले रजिस्टर्ड है तो उसको भी कह दिया कि जनाब ये रजिस्टर्ड है, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है उस बेचारे को रजिस्टर कर दें। ले जी, यहाँ पे मैं करने लगा हूँ, हाँ यहाँ पे मैं गया हूँ, पॉज लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कासिम अली शाह ने कहा था पॉज ले थोड़ी देर के लिए, मैं भी सुल्ताना बार बार कह रही थी आप डिस्कशन में थोड़ी देर पॉज लें, तो हम कोडिंग में यहाँ पे पॉज लेते हैं थोड़ी देर। यहाँ से अब चूंकि मैंने डेटाबेस में सिर्फ स्टोर करना है, तो बिफोर स्टोरिंग मैं जो मेरा पासवर्ड है उसको हैश कर लेता हूँ, उसके लिए ऑब्वियसली इसका एक अलग प्रोसेस है। यहाँ पे जाएं, हमने इसके लिए फाइल भी बनाई हेल्पर, यहाँ पे आप नाम दे दें ऑथ हेल्पर .js लें, इसके लिए आपने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल किया है बी क्रिप्ट फ्रॉम बी क्रिप्ट, ये बी क्रिप्ट के पास दो इट हैंडल्स टू फंक्शन, इसको स्टैरिक लगा लेते वो ज्यादा अच्छा नहीं था ये वाला, ताकि हम बार बार कोड क्यों लिखेंगे। एक तो होगा जो पासवर्ड को वन फंक्शन विल कन्वर्ट योर प्लेन पासवर्ड टू हैश्ड पासवर्ड। आप देखें जब आपने क्लाइंट साइड से एंटर करना है ना, तो आपने वहां पे सिंपल टाइप एडमिन या एबीसी ही करना, ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये वाला जो भी वट एवर यू विल फीड और एंटर फ्रॉम क्लाइंट साइड उसको हैश में कन्वर्ट करेगा। तो दूसरे फंक्शन में क्या करना है, सेकंड फंक्शन विल कंपेयर दी पासवर्ड विद हैश्ड पासवर्ड,
पासवर्ड एट द टाइम ऑफ लॉगिन। अब जब आप लॉगिन होंगे तब भी आपने सिंपल एडमिन या एबीसी ही लिखना है, आपने थोड़ा की लिखनी है। ये वाला फंक्शन जाएगा डेटाबेस में, चेक करेगा कि क्या एडमिन के बराबर जो मेरे पास की पड़ी हुई है वो यही है। मगर इसको सरल भाषा में थोड़ा देखते हैं आप, ये देखिए ये मेरे पास एडमिन है, पासवर्ड है ये, PWD कर लेंगे। अब जब ये सिस्टम ने एंटर किया ना, वो इसको कुछ इस तरह बना दिया। अब आप आए लॉगिन करने, लॉगिन में आपने तो एडमिन ही लिखा, वो ये चेक करेगा कि क्या एडमिन मेरे पास पड़े हुए डेटाबेस में इस की के बराबर ही है, क्योंकि ये सिस्टम नहीं कन्वर्ट करना ना। अगर तो ये दोनों मैच हो जाते हैं तब वो आपको लॉगिन की इजाजत दे देगा। ये वाला इसके लिए लिहाजा हम दो फंक्शन लिखते हैं। पहला फंक्शन होता है आपने हैश करना है, तो मैं लिखता हूँ इधर ही एक्सपोर्ट कर देते हैं डायरेक्ट कॉन्स्ट हैश पासवर्ड। ये नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। इसको आपने प्लेन पासवर्ड एज ए पैरामीटर देना है, फंक्शन पैरामीटर एज फंक्शन रेन में लेके आए। फंक्शन को मैंने पैरामीटर पास किया, ये क्या करेगा उसको जाके बी क्रिप्ट के अंदर मेथड होगा बी क्रिप्ट डॉट हैश, एरो नहीं सही बनाया इसलिए वो नहीं शो करा रहा। ओके यहाँ पे आए बी क्रिप्ट डॉट, ये देखिए हैश करे ये। अब आपसे दो पैरामीटर लेगा, एक तो पासवर्ड लेगा और दूसरा लेता है सॉल्ट राउंड्स। ये मैं आपको बताता हूँ सॉल्ट राउंड्स क्या होते हैं, इज इक्वल टू 10 कर देते हैं। सॉल्ट राउंड्स ये होते हैं, नेटवर्किंग पढ़ी है किसी ने? किसी ने भी नहीं पढ़ी। ये असल में ना नेटवर्किंग का टॉपिक है साइफर का, कि जब एक साइकिल चलता है ना, आप ये समझे, मैं आपको इधर समझा देता हूँ, आपको ज्यादा आसान समझ आ जाएगी। ये आपका था, आपने एडमिन एंटर किया, उसने पहली दफा इसको बनाया कुछ ये थोड़ा, ये एक राउंड चला है, ये एक राउंड हुआ है। अब जब मैंने उसको 10 राउंड दिए हैं, उसने 10 राउंड इसको चलाना है, अब वो दूसरी दफा इसको इस तरह कर देगा, फिर तीसरी दफा बनाएगा इसको कुछ इस तरह कर देगा, फिर इसको कुछ कन्वर्ट करते हुए इस तरह कर देगा। यानी 10 दफा वो आपके पासवर्ड को डिफरेंट एल्गोरिदम्स में कन्वर्ट करेगा। सो अगर कोई हैकर आगे कोशिश भी करना चाहेगा ना कि आगे पासवर्ड को ब्रेक करे, तो उसे 10 डिफरेंट राउंड्स की, यानी ना जैसे फायरवॉल्स को ब्रेक करना पड़ता है, तो उसको पहले 10 लेयर्स को डीकोड करना पड़ेगा। तो इतना टाइम नहीं होता कि सिंपल से पासवर्ड करने के लिए वो अपनी 3 महीने जिंदगी एक छोटे काम पे लगा लें। और सबसे बड़ा उसे अफसोस तब होगा जब वो खोले वो है, उसको कर भी ले, हमने सिंपल लॉग इन लॉग आउट बनाया होगा, उसको तब दुख होगा। इतनी मेहनत वो चलो जीमेल या फेसबुक पे करे और कामयाब हो जाए तो उसको कोई रिवॉर्ड दो, हमने क्या होना, लॉग इन लॉग आउट सिंपल फिनेलिटी होनी है, तो अफसोस के बाद ये मैंने प्राप्त किया साल्ट राउंड। और कुछ करते हैं वो कहते हैं मैक्स जो राउंड है ना वो 10 तक रखा करें, क्योंकि इससे ज्यादा रखेंगे आप जितने राउंड ज्यादा रखते हैं कंज्यूम करता है, क्योंकि हर राउंड को चलाने के लिए आपका पूरे का पूरा सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो अगर आप इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे भी जाएं, भी मेरे को ऐसी ही कुछ शायद सजेशन दी हो। चलो जी आ रहे हैं जी, इधर आ जाए npm bcrypt salt, नहीं खाली bcrypt ही लिखते हैं, वो खुद ही बता देगा हमें। ये पासवर्ड हैश करने के लिए होता है, ये तो हमें पता चल गया, सिक्योरिटी उससे अच्छी हो जाती है ये भी हमें पता चल गया, ठीक है। सिक्योरिटी इश्यूज एंड कंसर्न, हाँ ये सिक्योरिटी इश्यूज एंड कंसर्न के ही जुमरे में इंस्टॉल भी कर लिया हमने। हाँ ये देखिए, अच्छा इन्होंने ना अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से करेंगे ना तो देर आर विविड चांसेस कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नेट पे भी देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखें ये वाला काम हम कर रहे हैं ना, वो सॉल्ट करने के लिए एक लहदा पूरा फंक्शन बना रहा है, हमारे पास इतना टाइम है, हमें तो पहले 4 लाइनों की समझ नहीं आ रही। हम फिर सॉल्ट करने के लिए वो कहता है सॉल्ट खुद जनरेट करें,
जबकि आपका नोड इतना समझदार हो चुका है पहले ही कि वो उसको आप 60 राउंड पास करेंगे एज ए पैरामीटर तो वो खुद ब खुद ही उसको कन्वर्ट कर देता है। ये आपको सोचने की टेंशन नहीं है। लेकिन ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वाले कहते हैं कि जनाब आप पहले हर 60 राउंड खुद चलाएं, इतना टाइम है 60 राउंड चलाएं, सिर्फ आप उसे राउंड पास कर दें, ये कंप्यूटर का काम है उसको करने दें, चलाने हैं। तो फिर ये डॉक्यूमेंट आपको काफी कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। सो बेहतर है ये वाला तरीका, ज्यादा आसान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें, हैश्ड पासवर्ड, नाम उसका हैश रखा था, अब ये हैश्ड हो चुका है। अब यहाँ पे जो मर्जी रख लें एबीसी, लेकिन अगेन को लॉजिकल नाम रखें। लो जी, जो मेरा हैश पासवर्ड हो चुका है इसी में रिटर्न कर देता हूँ हैश्ड पासवर्ड। फंक्शन को रिटर्न भी तो करना है ना, आपने क्या रिटर्न करना है। ये आपका हो गया हैशिंग योर प्लेन पासवर्ड टू पासवर्ड। और दूसरा आएगा आपका कंपेयरिंग पास, कंपेयरिंग हैश्ड पासवर्ड विद प्लेन पासवर्ड। लो जी, उसका काम भी सिंपल ही है, एक्सपोर्ट पॉन्स, नाम उसका ऐसे ही दे रहे हैं कंपेयर पासवर्ड। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये दो पैरामीटर लेगा, एक तो पासवर्ड लेगा और दूसरा हैश्ड पासवर्ड जो हैश्ड हो चुका है ये वाला। बस इसका भी काम खत्म। इसको आप इधर आए, इसमें सिर्फ कंपेयर ही करना है। इसको वैसे हमने वेट और सिंक नहीं बनाया क्योंकि हमने काम तो डेटाबेस के साथ ही करना है। बेहतर है कि एसिंक अवेट बनाते रहें, अदरवाइज ये चीजें छोटी छोटी कंफ्यूज करेंगी। क्या कह रहे हैं, ये एरो दूर लगा दी है, अब ठीक है। उसको मैं रिटर्न करता हूँ बीक्रिप्ट, बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर, उसको पासवर्ड दे दें और पासवर्ड और हैश्ड पासवर्ड, बस इसका इतना ही काम है। ये भी खत्म हो गया, बस अब आपने इसको डेटाबेस में स्टोर ही करना है। मैंने दोनों फंक्शन बना लिए। अब हम चूंकि लिख रहे थे काम अपना ऑथ कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ पे उसको सेव करने से पहले मैं पहले उसको हैश करना चाहता हूँ। पॉज खत्म, चलो पॉज खत्म, उधर ब्रेक लगी हुई है, खत्म कर देना। यहाँ पे आप हैश पासवर्ड को, उसका नाम है हैश पासवर्ड है ना, हैश, ये इसको इंपोर्ट कर लिया। देखें तो इसको अगर मैंने इंपोर्ट कर ही लिया है तो इसको मैंने क्या देना है, एक प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड देना है। ये जो मुझे यहां से मिल रहा है भाई, ये देखें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो यूजर एंटर करेगा, ये मैंने इसके हैंड ओवर कर दिया। जब इसको ये वाला पैरामीटर मिलेगा ये वाला फंक्शन कॉल कर देगा ये वाला, और पासवर्ड आपका हैश हो जाएगा। हो गया, इसको किसी वेरिएबल में, इसको भी हैश्ड में स्टोर कर लेते हैं हैश्ड पासवर्ड, और इसको अवेट कर देते हैं। लॉस्ट, अब आखिरी मरहला रह गया, यूजर को रजिस्टर करवाना है। वो सबसे आसान है, यूजर मॉडल आपके पास पहले ही है। यूजर मॉडल के अंदर आपने क्या देना है, इसके अंदर आपने नेम एज इट इज दे देना है, ईमेल एज इट इज दे देना है, ईमेल एज इट इज दे देना है। पासवर्ड के अंदर आपने देना है ये वाला पासवर्ड जो अब हैश हो चुका है, और फोन था और एड्रेस। लो जी, इस वजह से मुझे 5 प्रॉपर्टी अलग अलग करनी पड़ी क्योंकि मैंने पासवर्ड को हैश करना था। ओके, इसको अगेन किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें, ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं यूजर में कर लेता हूँ। चलो, और इधर मैं डायरेक्ट डॉट सेव कर देता हूँ, मसला सॉल्व करें। और डॉट सेव उसके साथ आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, डॉट सेव इसका काम यही करना है। और अगर तो मेरा हो जाए डाटा, यूजर क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पे मैं एक रिस्पॉन्स जनरेट कर देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस 201 किस लिए है, क्रिएट के लिए। अगर आपने पढ़े होते तो आपको पता होता, मैंने आपको इसीलिए कहा था कि 7-8 कोड है,
आप सुबह डेली उठ के दिन में 40-50 मरतबा आप करते हैं, 201 201 201, शाम तक आपको पता होना चाहिए मेरे क्रिएट करना, और 7 दिनों में 7 कोड याद हो जाए, टोटल है ही 7 कोड उसके, लेकिन आपने ये भी नहीं किया। चले अल्लाह ही पूछेगा आपको इसका। अब आप दे दें सक्सेस ट्रू होगी, हाँ, और मैसेज आप दे दें उसको यू रजिस्टर्ड सक्सेसफुली सक्सेसफुली, और साथ ही ये वाला यूजर भी भेज दें, ये वाला, ताकि आपको पता चले कि आप कर क्या रहे हैं। लो जी, हमने बड़ा केयरफुली सारा काम किया है, अब एरर की बारी आती है। छोटे मोटे इधर पहले ही सॉल्व करते जाएं, .js जिनके साथ नहीं लगा वो लगाते जाएं, ताकि एरर कम से कम आए। .js ये भी .js ही करना है। ओके, कुछ रह गया नहीं? ओके ठीक है, लो इधर आ जाएं। वैसे मैंने डेटाबेस में डायरेक्टली स्टोर करने की परमिशन दे दिया उसको, तो हम एक दफा सर्वर को किल करके, बड़ी वैसे कमाल की बात है कि सर्वर हमने कामयाबी से चला रहे हैं, वाह ये हमारी लाग है। लें जी, अब इसको पासवर्ड यहाँ पे कोई डमी को डाटा देते हैं, बॉडी के अंदर रॉ में जेसन में हम डाटा वही चारों की चारों पांचों फील्ड दें उसको। नेम है नहीं, पहला नेम ही है ना, नेम अली, चलो इसी की कॉपियां बना लेते हैं, टाइम बच जाए। कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और वो एंट्री किए जा रहा है अभी। चलो नेम ईमेल अली @gmail.com, पासवर्ड मैं उसको देने लगा हूँ जी एडमिन। यार इनको क्या पीछे नए आने वाला बैच कहता है कि हम पर। अच्छा ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, स्टूडेंट जब घर से पढ़ने जाते हैं ना, वो बड़ा सुबह 8 बजे तैयार हो गए, कोशिश करके क्लास में पहुंचते हैं, इतने उतावले होते हैं कि हम क्लास में पहुंचे। जब क्लास में आते हैं तो क्लास में अपनी दुनिया में मस्त होते हैं, वो व्हाट्सएप खेल रहा है, कोई जनाब गेंद लगा रहा है, कोई तमाशा शो देख रहा है, कोई CID का ड्रामा देख रहा है, कोई क्रिमिनल एपिसोड देख रहा है, जिसका दिल तकरीबन 50% क्लास जो पीछे बैठती है ना, जो मेरी बड़ी क्लास है, मतलब 8:40 लंबी क्लास है मेरे, जो नाइट में क्लास में, उसमें 40-50 कोई भी बचा काम नहीं, मेरे बचे होते इतना बैच हाल फुल होता है टोटली। वो फिर मैंने डाइस मंगवा के रखा है स्पेशल दूसरी ब्रांच से, अगर आप देखें ना जाके 8:40, वो मैंने मंगवाया है CEO कि मैं बच्चों पे नजर रख सकूं वो पता ही नहीं होता कर क्या रहे हैं, अब वो जो फ्रंट पे बेचारा बैठा उसको क्या नजर आएगा। बार दफा बच्चे गैलरी में होते हैं, देखे वही बार बार स्टूडेंट चक्कर काट रहे हैं, क्या करे बंदा, पढ़ना नहीं वैसे टेंशन पूरी लेनी है। 9 2 3, और यहाँ पे कर रहे हैं वो कोर्स नहीं, अल्लाह करे ये हिट हो जाए, ये तो मसला बन जाने, क्योंकि टाइम 1 मिनट रह गया। अल्लाह यू प्लीज एंट्री योर एड्रेस, हमने एंटर नहीं किया। देखें ये देखें, चलो ये उसकी मेहरबानी, नहीं ये वैलिडेशन का फायदा हो, ये अभी क्लाइंट साइड से नहीं भेज रहे, अगर ये वाली हरकत वो क्लाइंट साइड से भी करेगा तो पता चल जाएगा, इसका मतलब है कोड ठीक ही है, उम्मीद तो है। 1 2 3 लाहौर, उम्मीद तो अगर क्रैश तो नहीं हुआ सर्वर, वो क्रैश हो चुका होना है, उसे एरर आ गई है, NPM स्टार्ट कर लें। लो इसको अगेन सेंड करते हैं, नेम ईमेल पासवर्ड फोन, अब ठीक है ओके सेंड करें, लें जी मुबारक हो। ये देखिए आपने उधर पासवर्ड क्या ऐड किया है, वो अली रखा, चलो खैर है, उसने देखें डीकोड कर ही दिया है, उतना बड़ा। अब इसको कैसे आप डीकोड करेंगे, लेकिन टाइम कम था और नियत साहब तो हमने 1 घंटे में, ये 2 घंटों का लेक्चर हमने 1 घंटे में बगैर कर लिया, और ऊपर मैसेज आया, ये देखें ये वाला, जब भी मैंने एंड पे उसको ये स्टेटस 2100 दिया है ना, ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, ये यूजर जो पास हुआ है ना, ये देखें ऑब्जेक्ट में ये वाला यूजर है, और ये मैसेज आ गया सक्सेसफुली, और 201 यहाँ पे स्टेटस ये देखें आ रहा है, ये क्रिएटेड।
ये स्टेटस कोड काफी इंपॉर्टेंट है, इतना व्हाट्सएप का स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना ये वाला स्टेटस इंपॉर्टेंट है कोडर की जिंदगी में। आपसे मैं 200 रुपये मांगे उसको कहीं ओके, पैसे देने नहीं उसको कहीं ओके है, इतना मतलब ओके ही है। सर जी उस्मान बोले बोले बोले। अच्छा सर मेरे कोड में इश्यू आ रहा है सर, यूआई नहीं शो हो रही है सर लोकल और 300 पे। लोकल अभी ये तो फिर क्लास में ले आए या क्लास में वो शेयर करें, कोई ना कोई क्लास फेलो आपका सॉल्व कर देगा, ना हुआ तो फिर मुझे बता देना, क्लास में कोड शेयर करें वो कर देंगे क्लास फेलो। जी सर नहीं नहीं वो करेंगे, ये आप लोगों का फायदा होता है उसमें, आप लोगों की कोडिंग बेहतर होती है, प्रॉब्लम सॉल्व किया करें ज्यादा से ज्यादा। मैं बहुत वालेकुम सलाम, तो मैं पहले 1 घंटा लेट आया था, तो मैंने पावर टॉपिक बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ाया, वो ऐसे मैंने एक और भी भेजा हुआ ग्रुप में, उस पर करें पढ़ाई। उस सुबह मैं ले आऊंगा यार, एक बाल्टोन पड़े हैं, बारिश हो गई थी नहीं तो मैं ले आता था। किधर है एरर, किसकी है, लेके आए जल्दी, वो तो निकल गया, मैं तो उनकी वजह से आपको कह रहा था। नहीं सवाल ये है कि आप ये कर क्या रहे हैं इधर, हमने सारा काम बनाया वही है। वो तो ठीक है, आप इसको रोड को सेल्फ क्लोज क्यों नहीं कर रहे, ये डाउट राउटर वो ब्राउजर रोड किया है आपको, एक मतलब इंडेक्स रोड किया है यार, इसके सेल्फ क्लोज भी तो हो जाता है ना, मैं ये कह रहा हूँ आपको। ओके यार कोई बात नहीं, कितनी क्लास आपकी डेट पे जाती है रोज जाने दे, क्या कर सकते हैं यूनिवर्सिटी है, अब उनका ही नुकसान है, अब हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, ये उनका नुकसान है हमारा नहीं है, इनको ये पता ही नहीं कि इनकी क्लास कब खत्म हो जानी है। लगे बंदा मेरे लेक्चर जो कस्टम होते हैं ना, सबसे कॉस्टली लेक्चर मिल रहे हैं, सबसे महंगे, क्योंकि बाकी जो आप लेक्चर अभी आपका टाइम थोड़ा मेरा फर्क पड़ता, फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन प्रोफेशनल तरीका अडॉप्ट किया करें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने कोई नेस्टेड राउटिंग की है, या तो ये होता है नेस्टेड राउटिंग करनी हो आपने, फिर तो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आप ₹1,00,000 दे के भी ये टॉपिक नहीं पढ़े, कोर्स में ही नहीं है ये वाले टॉपिक्स। अच्छा जी कंट्रोल एस करें, अब हाँ आपके इंडेक्स में भी एकदम अगर मार भी लें
ब्राउज़र राउटर, ओके ठीक है, कोई मसला नहीं, हम बस अंदर ही हैं। सी एल एस एम पी माई एक दफा कर लें, जो मिसिंग लाइब्रेरी है। आपका नोड में डूरी गायब हुआ हुआ है, आपका नोड तो ये नहीं उठ नोट गया? प्रिंट और नहीं भाई, नोड वैसे तो नहीं उठ गया, मुझे तो यही लग रहा है। तो प्रोजेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है सर? अगर टाइम है तो मैं भी स्क्रीन शेयर कर दूं अपने। तो यार, अब इसका मैं सॉल्व करूंगा, टाइम निकल जाना है। आप मुझे उधर भेज दो, ग्रुप में भेज दो, ग्रुप जी में भेज दो, सर। स्क्रीन में आपको बता दूंगा। हाँ, इस पे काफी टाइम लग जाना है। सर कॉन्टेक्ट एपीआई तो सर वो डाटा जैसे सर होम पेज पे फेच करता हूँ ना सर, तो स्क्रीन नहीं आगे यूएस शो कर रहा। उससे सर जी पहले सर भेज, जी, चेक कर लूंगा। मेरा कोड क्यों नहीं फॉलो करते? क्लासे नहीं मेरी देखते आप ध्यान से? मेरी जी क्लासे सर देखे, मैंने एक एक लाइन समझाई हुई है ब्रीकी में, ब्रीकियों में मैं कोड समझाता हूँ, वो आप ध्यान से करें तो हो जाएगा। ना हुआ तो करें, ग्रुप में शेयर करें, करवा देता हूँ सॉल्व। जी सर